आने की योजना लेके आई है, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, कितना इम्पैक्ट मानती है, कितना इम्पैक्ट होगा? 0%। ऐसा मेहनत तो बहुत करी कांग्रेस हर जगह, राहुल गांधी जा रहे, कुछ भी नहीं आया ना। पहले थी तो पहले में और अब के इसमें आप कंपेयर करो तो पहले कितना अपना इंडिया ही कितना पीछे था और आज भाजपा की वजह से कितना आगे हो गया। हर जगह अपना भाजपा ही, मतलब इंडिया का सबसे पहले नाम आ रहा है। आज पूरे देश विदेश में जाओ तो अपना इंडिया का आते तो सल्यूट वगैरह हो। 13 तारीख को वोट करने जाएंगे आप? बिल्कुल, फुल फैमिली। बिल्कुल, बहुत सारी फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, उन्हीं चर्चा करते हैं। बेटा 13 तारीख को आप वोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप, क्या आपके मन में रहेगा और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट करने जाएंगे? वोट तो करना ही है हमको, क्योंकि विकास हुआ है ये तो सबको पता है और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो उसके बारे में कौन नहीं जानता, जितना बताएंगे उतना कम है अभी तो, इसलिए हमारा मत तो मोदी को ही जाएगा। कांग्रेस भी बहुत मेहनत कर रही है, कितना क्या क्या लगता है, कितना इम्पैक्ट लगता है इस पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से आपको? मेहनत से कुछ नहीं होता है, जो दिखता है वही उसी को वोट दिया जाएगा। कि आपने विकास कितना हुआ है वो सब जानते हैं कि कितना हुआ है, क्या एक सतत विकास और एक निरंतर जो विकास हो रहा है उसी को मत जाएगा ना सर। कांग्रेस ने लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इंडिया गठबंधन जो नया नाम सामने आया है, इंडिया गठबंधन, क्या लगता है आपको, क्या भविष्य मानते हैं आप उसका? कुछ भी नहीं, 0। कुछ और वोटर्स हमारे साथ है, युवा वोटर्स। बेटा आप पहली बार वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? नारी सुरक्षा की बात करूँ मैं तो कितना आप सेफ महसूस करते हैं आप? मोदी जी ने बहुत सारी हमारे लिए मतलब सेफ्टी की है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करना चाहती हूँ। वोट देंगे तो क्या मन में क्या रहेंगे, क्या कौन सा मुद्दा रहेगा कि यार मुझे उसको देख के मुझे वोट करना है, या ऐसी कोई बात आपके मन में किया इस पार्टी को मुझे वोट करना है? तो कांग्रेस से कितनी उम्मीद है, कांग्रेस ने भी लगातार मेहनत करी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस से तो कुछ नहीं, बीजेपी से, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बाकी बहुत सारी योजनाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए भी उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह। बस आप खुश है सरकार के काम? जी सर। महिलाओं के मन में क्या है, पिछले दो बार में वोटिंग थोड़ी कम हुई थी मुझे लगा, इस बार तो आज अच्छी वोटिंग हुई है तीसरे राउंड में, अगले राउंड में क्या लगता है? लास्ट राउंड है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर का नंबर है, क्या लगता है? झाबुआ अलीराजपुर का ही नंबर है और महिलाएं ही वोट सबसे ज़्यादा देंगी। उसका रीज़न है कि महिलाओं के हित के लिए जो काम किए गए ना वो आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए। उनके लिए जो आत्मसम्मान, लाडली बहना योजना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, इतनी सारी योजनाएं कि अगर हम गिनाने जाएंगे तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। इतनी योजनाएं जो बीजेपी की सरकार में बनी है वो कांग्रेस की सरकार में नहीं बनी थी। कांग्रेस भी महिलाओं को लखपति बनाने जा रही है, उनके मैनिफेस्टो में है ऐसा? वो बोलती है, करके दिखाए, बोलना अलग चीज़ है करना अलग चीज़ है, बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने करके दिखाया है कहना। यहाँ पे कुछ फर्स्ट टाइम के वोटर्स हमारे साथ है, उनका कहना है, थोड़े और दूसरे भी और वोटर्स हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। बड़ा फर्स्ट टाइम वोटर से आप लोग, क्या मन में रहेगा, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? कि उस इंसान को वोट देंगे जो देश का विकास करेगा और जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सोचेंगे और जो ऑब्वियसली मतलब देश का अच्छा चाहेगा। अच्छा, कितना सिक्योर फील करते हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? मतलब मोदी जैसे मैं अहमदाबाद भी रही हूँ तो मुझे बहुत सेफ फील होता है क्योंकि वो मोदी नगरी कहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब हर जगह मैं उतना ही सेफ फील करूँ जैसे मैं गुजरात में फील करती हूँ, मैं एमपी में भी वही फील करना चाहती हूँ। और अच्छा, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं अच्छा फील, सेफ फील करती हूँ। 13 तारीख को वोटिंग है, वोट करने जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको, सब बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है। बेटा कांग्रेस ने बहुत मेहनत करी, क्या लगता है आपको कांग्रेस ने कहाँ, आपको ऐसा लगा कि इस पूरे चुनाव में कहाँ आपको कौन सा बड़ा मुद्दा ऐसा आपको लगा जो इस पूरे चुनाव में प्रभावी होगा, कौन सा बड़ा मुद्दा आपको लगा ऐसा? अभी का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट पहले का जो उनका परिवारवाद इतने सालों से हमेशा से चला आ रहा है, मतलब जो मनमोहन सिंह जी थे वो मतलब हमेशा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, है ना, और उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट इंडिया में कभी कोई था ही नहीं, बट फिर भी वो परिवारवाद के कारण वो हमेशा से ऐसा रहा कि जैसा उनको गांधी परिवार बोलता था वो वैसा ही करते थे, उस कारण से हमारे देश का भला उतना नहीं हो पाया। पर अगर हम बीजेपी को देखें तो वहाँ पर सब जने अपने लिए नहीं सोचते, देश के लिए सोचते, देश के विकास के लिए सोचते, युवाओं के लिए सोचते हैं। अभी स्टार्टअप में भी बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है बीजेपी का, तो यही सब रीजन से कि हम लोग कांग्रेस को ना देख के बीजेपी को वोटिंग परसेंट बीच में कम हुआ था जो वोट गिरे, बहुत बेहतर वोट गिरे हैं, तो क्या आप लोग अपील करेंगे, क्या बोलेंगे आप अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में वोट करने के लिए क्या अपील करेंगे आप लोग? हाँ, हम यही बोलेंगे कि सब जने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें क्योंकि ये देश के लिए ही हो रहा है, आप देश के लिए हो रहा है, मतलब आपके खुद के लिए हो रहा है, आपके परिवार के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है ना, तो सिर्फ आप दूसरों का ना भी सोचें तो खुद का सोच के वोट करें। दो तीन बड़े काम बताएंगे आप जो आपको अच्छे लगे?
मोदी जी के अंडर जो हुआ है, जैसे अभी कश्यप जी ने बोला मेड इन इंडिया जो स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट हुए हैं, और मुझे वो हाईवे वाला प्लान भी, वो भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि कन्वीनियंस बहुत ईजी हो गया है। और बहुत सारी जैसे स्टार्टिंग में वो गंगा क्लीनिंग का हुआ था या स्वच्छ भारत का हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बड़े जो किए हैं मोदी जी ने, प्लान्स लाए हैं, वो सारे मुझे बहुत अच्छा लगे। अच्छा कुछ बच्चे और बेटा, आप बताएं, फर्स्ट टाइम वोटर है आप, क्या मन में रहेगा वोट करने के, जब जाएंगे आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो क्या मन में रहेगा आपके? मतलब जैसे हमारे लिए जो भी वो अच्छा करते हैं हम उस हिसाब से उनको वोट करेंगे, और जो भी यंगस्टर्स हैं तो मतलब जैसे जैसे हमको अच्छा लगेगा हम उस हिसाब से सब। आप सेफ फील करते हैं इस गवर्नमेंट में, सेफ फील करते बेटा आप? हाँ सेफ फील तो करते, पर जैसे गुजरात तो जितना सेफ है उतना सेफ यहाँ पर नहीं है, सो वी वॉन्ट कि इधर भी इतना सेफ हो। सो या तो बहुत सारे वोटर्स हमारे साथ हैं, युवा वोटर्स हैं, तो यही कहना है कि सेफ फील करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए। कुछ बेटा आप वोट करने जाने की तैयारी में है, और कौन सा ऐसा बड़ा फिगर आपको लगा इस पूरे चुनाव में? अच्छा कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, बहुत मेहनत करी, इंडिया गठबंधन भी सामने आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो कहाँ लगा आपको ऐसा? अभी लगातार राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सभा कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट मानते हैं आप कांग्रेस का? मैं उसके लिए तो कुछ नहीं मतलब कह सकती, क्योंकि मतलब वो एक मतलब नेशनल टेलीविजन पे ये बात चल रही है, पर मैं हाँ इतना कहूँगी कि उनने भी की है कोशिश, पर वो जो एक्सपेक्टेड था आउटकम था वो शायद नहीं आ पाया, वो दिखा नहीं, या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी थी, थिंकिंग थी, वो शायद अलग थी, वो हमारे से अलाइन नहीं हो पाई। बट मैं मतलब बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी वोट करे प्लीज़ सोच समझ के करे, आपके भले के लिए होगा जो भी होगा, और अब की बार 400 पार। तो कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया है युवाओं की, और देखना यह है कि जो रतलाम झाबुआ लोकसभा का जो ऊँट है आखिर किस करवट बैठेगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाली काउंटिंग की तारीख ही बता पाएगी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम।